सितंबर तिमाही में कैसे रहे हैं नतीजे, कहां पर रही दमदार प्रदर्शन, कहां पर रही थोड़ी निराशाजनक, और आगे कहां पर करना है फोकस। आज हमारा अर्निंग्स रिपोर्ट है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पर। नुपुर है हमारे साथ तैयार बताने के लिए कि कैसी रही है पिछली तिमाही बैंक्स और फाइनेंशियल्स के लिए, कौन से रहे हैं आपके अच्छे परफॉर्मर्स, किसने किया डिसअपॉइंट और आगे का आउटलुक कैसा है। नुपुर बताइए कैसा है रिव्यू। बिल्कुल, अगर रिव्यू देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का क्वार्टर टू का परफॉर्मेंस काफी बेहतर आया था। काफी सारे बैंक्स और स्पेशली जो मिड कैप बैंक्स थी वहां पे काफी स्ट्रांग क्वार्टर टू परफॉर्मेंस रही थी। लोन ग्रोथ की बात करें तो वो काफी स्ट्रांग आती दिखी थी सेकंड क्वार्टर में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे इस बार सबका फोकस था क्योंकि वो एक इंडिकेटर था आने वाले क्वार्टर्स के लिए। तो वो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो या पिछले साल से भी अगर हम कंपेयर करें तो वहां पे काफी बढ़िया ग्रोथ अक्रॉस द बोर्ड आते दिखी थी। हालांकि जो ट्रेजरी इनकम थी वहां पे थोड़ी गिरावट थी और डिपॉजिट जो ग्रोथ थे वहां पे हल्का सा धीमापन इस बार दिखा था। लेकिन दूसरी तरफ एसेट क्वालिटी की बात करें या ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की बात करें तो वहां पे काफी ज्यादा सुधार था। मोस्ट ऑफ द बैंक्स या मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टॉक्स थे जहां पर ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए पे काफी ज्यादा सुधार इस बार आते दिखा था। सरकारी निजी और जो स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर थे स्पेशली वहां पे काफी बढ़िया इस बार ग्रोथ थी। क्वार्टर टू का परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर और साथ ही साथ पिछले साल से भी अगर हम कंपेयर करें तो काफी बढ़िया आते दिखाता। एनबीएफसी और लाइफ इंश्योरेंस के जो कंपनीज के नतीजे आए थे वो काफी मिले जुले थे और लोन गोल्ड लोन की जो कंपनीज थी वहां पे ग्रोथ आने के अब संकेत आ चुके हैं तो ये भी नजर में रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में। अब आगे का अगर मैं आपको आउटलुक बता दूं तो इस बार डिपॉजिट ग्रोथ में थोड़ा सा धीमापन दिखाता लेकिन आने वाले क्वार्टर्स पे इस पे फोकस रहने वाला है और एक्सपेक्टेशन है कि ये यहां से ग्रोथ पिकअप होगी। लोन ग्रोथ की भी बात करें तो वहां पे भी स्ट्रांग ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है आने वाली तिमाही में। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को लेके कंपनीज काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो ये एक स्पेस होगा जहां पर सबकी नजर रहने वाली है। और अगर यहां से कोई इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी होती है तो इस पर क्रेडिट कॉस्ट पे जो भी इम्पैक्ट आता है उस पर भी नजर रहेगी सबकी। अगर बढ़िया परफॉर्मेंस की बात करें जहां पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आई थी तो वहां पे सबसे पहला नाम SBI का आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी यूनियन बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ से तो हमेशा कंसिस्टेंसी रहती है और इस बार भी रही ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो स्मॉल प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे वहां पे काफी बढ़िया परफॉर्मेंस आती दिखी थी जैसे कि कर्नाटका बैंक, फेडरल बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस के भी इस बार नतीजे काफी बढ़िया आए थे। लेकिन खराब जहां पे अनुमान से कमजोर रहे नतीजे उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर और सबसे इम्पैक्टफुल नाम है महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस का, LIC हाउसिंग फाइनेंस, HDFC लाइफ, बंधन बैंक और ICICI। यहाँ पे हमने देखा था कि क्वार्टर टू का परफॉर्मेंस अनुमान से खराब था और मिक्स देखे तो चोला फाइनेंस, पिरामल एंटरप्राइज और श्रीराम ट्रांसपोर्ट लिस्ट का पार्ट है। और हमने शार्प रिएक्शंस भी इनकाउंटर्स पर देखे थे, अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट में भारी पिटाई हुई थी और अच्छे अर्निंग्स को बाजार ने रिवॉर्ड किया इसलिए हम देख भी रहे हैं बैंक निफ्टी लीडरशिप भी रहे हुआ है। इनफैक्ट आइए समझते हैं नतीजों को और आगे के आउटलुक को। हमारे साथ BNP पारिबा के बैंकिंग एंड NBFC एनालिस्ट राहुल मलानी साहब जुड़ रहे हैं। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस के साथ बात करने के लिए। जरा एनालिसिस दें सर, स्पेशली प्राइवेट वर्सेस पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अभी हम एक बड़ा कैचअप देख रहे हैं, परफॉर्मेंस के लिहाज से कहां पर बेटर मेट्रिक्स आपको इस नतीजों के सीजन में दिखे सर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीपांशु जी गुड मॉर्निंग। अगर आप बात करें इस तिमाही के नतीजों की तो दोनों प्राइवेट एज वेल एज PSU बैंक्स ने अच्छे नतीजे किए हैं। अभी अगर देखें तो फर्स्ट हाफ में आप देखें तो ओवर द हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें तो फर्स्ट हाफ हमेशा वीक रहता है, बट इस ईयर में आप देखें तो ऑलरेडी YTD ग्रोथ 7-8% अचीव हो गई है और लास्ट फोर्टनाइट ग्रोथ और ऑलमोस्ट 17% के आसपास नंबर था, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस देता है सेकेंड हाफ के लिए। प्लस ये हमको जो नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ होती है बैंक्स में वो उसको एक अच्छा सपोर्ट देता है, प्लस निम एक्सपांशन में भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो ओवरऑल लोन ग्रोथ परस्पेक्टिव से बैंकिंग सेक्टर इज गोइंग थ्रू अ स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स। वहां पे आप लोन ग्रोथ की बात की जाए, मार्जिन की बात की जाए, क्रेडिट कॉस्ट भी लोअर है क्योंकि पिछले 7-8 साल में जो कॉर्पोरेट एनपीएल साइकिल से गुजरे हैं PSU बैंक्स और रिसेंट में कोविड क्राइसिस से जो उभरे हैं ऑलमोस्ट उनका इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंक्स आल्सो, उनमें देखा गया है कि रिटेल एसेट क्वालिटी ऑलमोस्ट उसमें भी रिटेल में भी बहुत क्लीन अप हुआ है कोविड क्राइसिस में। तो ऑलमोस्ट लास्ट 2-3 ईयर्स में आप देखेंगे तो
एसेट क्वालिटी पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं दिख रहा है, तो ये परफॉर्मेंस सस्टेन करना चाहिए ओवर द मीडियम। करेगा स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, जो आप कह रहे थे जिस तरह से एनपीएस का सुधार हुआ है, रिकवरीज हुई हैं, प्रोविजंस कम हुए हैं, ये और बेहतर होगा, इन लेवल्स पर सस्टेन करेगा, क्या आउटलुक बनता है आगे का? जब पीएसयू बैंक की बात की जाए तो अगर हम देखेंगे लास्ट 7 to 8 years में उनका कॉर्पोरेट एंड दे हैव गॉन थ्रू कॉर्पोरेट एनपीएल साइकिल, तो उसमें मेजरली उनका जो कॉर्पोरेट बुक में मेजर क्लीनअप आया है, तो उसकी वजह से ये क्या होता है कि ट्रेलिंग इन्वेस्टमेंट थीसिस बहुत स्ट्रांग है कि हमको बहुत अच्छा लगता है कि पीएसयू बैंक्स का अभी इन्वेस्टमेंट स्टोरी सही है, बट ओवर द पीरियड आप देखेंगे नेक्स्ट अभी क्वार्टर्स में देख रहे हैं कि टॉप पीएसयू बैंक्स लाइक एसबीआई एंड बीओबी आर रिपोर्ट, उनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट प्राइवेट बैंक से भी लोअर है एंड वो अभी सस्टेन करेगा। पीएसयू बैंक्स कैन बी अ टेक्टिकल बाय, बट अभी अगर देखा जाए तो उनका नेक्स्ट 2 quarters में 3 quarters में ओवर द मीडियम टर्म भी अच्छा आउटलुक है, जब तक सेक्टोरल टेलविंड और अपसाइकल है बैंकिंग सेक्टर में तब तक ये नाम अच्छा करेंगे। बाकी इसमें ऐसा है कि ओवर द पीरियड हिस्टोरिकल ट्रेंड बताते हैं कि इनमें हमको आरओए और जो कैपिटलाइजेशन है वो बहुत वीक रहता है, तो वो एक सब्सटेंशियल डाइल्यूशन क्रिएट करता है शेयर होल्डर्स रिटर्न में। तो अल्टीमेटली पीएसयू बैंक्स आर अ टेक्टिकल बाय, बट हम भी मानते हैं कि ओवर द मीडियम टर्म पीएसयू बैंक्स विल आउट परफॉर्म द अदर प्राइवेट बैंक्स। तो ऑलरेडी हमने देखा एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस रही है और आगे भी पीएसयू बैंक्स एटलीस्ट फॉर सम मोर टाइम आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। क्रेडिट ग्रोथ आउटलुक कैसा बन रहा है, क्योंकि एक तो अब रेट हाइक साइकिल ग्लोबली शुरू हो गया है, तो इसमें क्रेडिट ग्रोथ कैसी रहेगी, लोन ऑफटेक कैसा रहेगा, और बैंक्स के लिए भी कॉस्ट ऑफ फंडिंग में आगे जाकर कुछ कंसर्न्स आ सकते हैं, निम्स में थोड़ा प्रेशर दिख सकता है? सर अगर क्रेडिट ग्रोथ की बात की जाए तो ऑलमोस्ट अभी तक आरबीआई ने 190 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक किया, उसमें आप देखें तो अभी लोन ग्रोथ हैज बीन बूस्टेड बाय रिटेल मेजरली। इस क्वार्टर में देखा गया कि कॉर्पोरेट भी रिवाइवल कर रहा है विद सम केपेक्स व्हिच आर कमिटेड बाय द प्राइवेट कंपनीज, और जैसा कि मैंने बताया कि इस साल में आप देखेंगे फर्स्ट हाफ में हमेशा लोन ग्रोथ हिस्टोरिकल वीक रहता है, बट इस साल में अच्छा लोन ग्रोथ दिखाया, तो सेकेंड हाफ के लिए लोन ग्रोथ आउटलुक बहुत स्ट्रांग है। वो दो चीजों से, एक तो रिटेल लोन ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है और उसमें भी रिटेल में अनसिक्योर्ड लोन ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। आप देखेंगे होम लोन 190 बेसिस पॉइंट रेट हाइक आने के बाद भी होम लोन ग्रोथ पे कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है आपको, वो ऑलमोस्ट उसके पहले भी 16-17% से ग्रो कर रहा था मॉर्गेजेस, उसके बावजूद भी देर इज नो टेम्परिंग ऑफ द डिमांड। होम लोन्स पे आप देखेंगे कि कुछ कुछ भी डिमांड टेपिड नहीं हुआ, ऑलमोस्ट वो 15-16% से ग्रो हो रहा है, तो लोन ग्रोथ आउटलुक स्ट्रांग है। आने वाले टाइम में 2 to 3 quarters में हमको अपसाइड दिखता है मार्जिन 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 में भी, क्योंकि उसके मल्टीपल लीवर है। आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोन रिप्राइजिंग फास्टर है, दूसरा आप देखेंगे सारी बैंक्सों में रिटेल मिक्स थोड़ा ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, प्लस उसमें भी अनसिक्योर्ड, तो वो एवरेज यील्ड को इंच अप करेगा, तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स लोन ग्रोथ और मार्जिन सपोर्ट करेंगे। ले तो वहां पर भी परेशानी नहीं है, तो ग्रोथ भी अच्छी है, मार्जिन भी सस्टेन होंगे, एसेट क्वालिटी भी सुधर रही है, आपकी कोई प्रेफर्ड पिक्स हैं स्पेस में? सर क्षेत्रफल कवरेज के हिसाब से प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक टॉप पिक्स है, और पीएसयू बैंक्स में बिहार टॉप पिक है एसबीआई। सही रेडार पर रहेंगे, वहीं पर आपको बेटर रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, सेफ्टी भी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आज सुबह जी बिजनेस के साथ बात करने के लिए और बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर पर अपना आउटलुक शेयर करने के लिए।